जबलपुर मेडिकल अस्पताल को चकमा देकर भागा कोरोना पॉजिटिव बदमाश जावेद पकड़ा गया है। वह मोटरसाइकिल चुराकर भागने की फिराक में था, तभी उस पर चेक पोस्ट पर तैनात लोगों की नजर पड़ी और इसे धर लिया गया। रासुका की कार्रवाई हो चुकी इस बदमाश जावेद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। जबलपुर अस्पताल से भागा इंदौर निवासी रासू का आरोपी जावेद खान को सोमवार की सुबह तेंदुखेड़ा के पास मदनपुर चेक पोस्ट पर पकड़ लिया गया। जबलपुर से वह एक ट्रक में बैठा, जिसके बाद 3 चेक पोस्ट को पार करते हुए ट्रक वाले ने उसे राजमार्ग चौराहे पर छोड़ा, जहां से वो पैदल चलकर मदनपुर तक पहुंचा था। यहां से एक ग्रामीण कमलेश पिता गणेश अग्रवाल की घर के सामने खड़ी बाइक को चोरी कर भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बाइक स्टार्ट हुई और उस पर चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों की नजर पड़ गई। इस मामले के बाद तत्काल 2 कोटवारों एवं एक वन रक्षक को भी क्वारंटीन कराया गया है। राजबाग चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस भी तैनात है। ट्रक से उतरे जावेद को पुलिस क्यों नहीं देख पाई और कैसे ट्रक 3 चेक पोस्ट से होकर राजमार्ग आ गया, इसकी जांच हो रही है। फिर राजमार्ग से तेंदुखेड़ा तक पैदल 10 से 15 किलोमीटर रात भर चलने पर भी उसे किसी ने नहीं रोका। इस मामले में पुलिस की बड़ी चूक सामने आ रही है। और जोर से जावेद कहाँ से आया है? इंदौर से। नहीं, अभी कहाँ से आया है? अभी जबलपुर से। अभी जबलपुर से? हाँ। जबलपुर में कहाँ से? हॉस्पिटल में से। भाग के? हाँ। अच्छा बताओ, पुलिस वाले को धोखा कैसे दिया? नहीं, धोखा नहीं दिया, वो तो सब नीचे थे। है? नीचे थे वो तो सब। वो नीचे थे? हाँ। तो तू क्यों भागा? साथ डर गया था मैं। डर गया था? क्यों डर गया था? वो पूरा हॉस्पिटल उन्होंने खाली करा दिया था, इसलिए। हॉस्पिटल खाली करा दिया था इसलिए डर गया? हाँ। तो हॉस्पिटल खाली कराने से क्यों डर गया? पिताजी का नाम? नासिर खान। पत्नी का नाम? हिना। पत्नी का नाम? हिना। हिना, बच्चे कितने हैं? दो लड़की है। तेरे को इंदौर में पुलिस ने क्यों पकड़ा था? साहब, मेरे को पकड़ा इसलिए था, हमारे घर के वहाँ हम अंदर बैठे हुए थे, बाहर किसी लोगों ने पथराव पुलिस से कर दिया, पुलिस वाले आए उनको चिल्ला चोट करने, तो उन्होंने उनको मारा कुटी करी, उनके पीछे भागे, तो हम तो घर में ही थे, तो चक्कर में हम वो जो हमारा जो मेन रोड का चौराहे का मकान है, उस चक्कर में हमको उठाया उन्होंने, ले जाके बस मेरे घर वाले सबको हमको बंद कर दिया। कोतवाली थाना प्रभारी व प्रशिक्षु DSP शशांक गुर्जर ने बताया कि जावेद जिस ट्रक से जबलपुर से राजमार्ग तक आया था, उस ट्रक का पता करने बेलखेड़ा, शाहपुरा और इंदिरा नगर चेक पोस्ट से वाहनों की आवाजाही के दर्ज नंबरों के आधार पर जानकारी ली जा रही है। इंदौर का रहने वाला जावेद कोरोना संक्रमित है, जिस पर इंदौर में स्वास्थ्य अमले पर पथराव करने के आरोप में रासुका के तहत प्रकरण दर्ज है। उसे जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उसे मेडिकल जबलपुर में भर्ती कराया गया। रविवार की दोपहर आरोपी जावेद मेडिकल जबलपुर से फरार हो गया था। इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित करते हुए 2 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी जावेद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।